देहरादून में राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस ने सीएम आवास के बाहर बैरिकेडिंग की है, साथ ही सीएम आवास और राजभवन के आसपास धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सुरक्षा बढ़ा दी गई है सीएम आवास और राजभवन की, इसके आसपास धारा 144 लागू की गई है। दरअसल दो दिन पहले कुछ प्रदर्शनकारी अंकिता मर्डर केस में राजभवन पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों ने राजभवन के बाहर जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद अब राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के आसपास के एरिया में धारा 144 लागू की गई है और इस वक्त मैं राजभवन के गेट पर मौजूद हूँ। और आप देखेंगे तो यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ से आगे जो सार्वजनिक मार्ग पहले हुआ करता था, अब ये पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आम लोगों की आवाजाही यहाँ नहीं होगी। राजभवन का आप मुख्य गेट आप देख रहे हैं और इससे अगर थोड़ी सी दूरी पर देखेंगे तो जो पूरी रोड आपको खाली नज़र आ रही है, ये मुख्यमंत्री आवास को ये सड़क जाती है और इससे 500 की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि हाल ही में अभी जो अंकिता भंडारी केस को लेकर ऋषिकेश में कुछ लोग धरने पर बैठे थे, वो लोग बिना बताए राजभवन कूच पर लिए आ गए थे और यहाँ पर पहुँच गए थे। उसके साथ साथ ही कांग्रेस के कुछ तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ आ गए थे और अब ये तय किया गया है कि अब राजभवन के आसपास की जो पूरी एरिया है वहाँ पर धारा 144 लागू रहेगी और आम लोगों के लिए ये एरिया पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। ये बताया जा रहा है कि इस सुरक्षा को यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बिना बताए कुछ लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए राजभवन पहुंचे थे और मुख्यमंत्री आवास भी यहाँ आए थे, तो उसकी ही मद्देनजर ये सुरक्षा घेरा यहाँ बनाया गया है और अब इस जो आम रास्ता पहले हुआ करता था, अब ये पूरी तरह से वीवीआईपी हो गया है और यहाँ पर अब जो मुख्यमंत्री आवास में या सचिव जो यहाँ पर राजभवन है वहाँ पर जो नौकरी करते हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उनको जाने की परमिशन दी जाएगी, अन्यथा यहाँ पर सभी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। देहरादून से अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करण महारा का आरोप है कि सरकार एक पुलिस अधिकारी को सामने लाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां इस मसले पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार एक पुलिस अधिकारी को सामने लाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। दरअसल पुलिस ने आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए जल्द ही कोर्ट में परमिशन एप्लीकेशन वो डालेगी, जिस पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से आनन फानन में डोजर चला, जिस तरीके से आग लगाई गई, उसके बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाला गया, डीएम ने किसी बड़े व्यक्ति के कहने पर दो बार अपना बयान बदला, एक उच्च अधिकारी का ये बयान आना कि फॉरेंसिक जांच के लिए जरूरी तथ्य जुटा लिए गए हैं और कोर्ट में दूसरी चीज कह देना कि साहब आग लग गई थी, डोजर चल गया था, इसलिए फॉरेंसिक जांच के लिए हम जरूरी तथ्य नहीं जुटा पाए, पुलिस का 2 महीने तक चार्जशीट दाखिल नहीं करना, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिससे हमारी शंकाएं और बढ़ी है और ये पूरी कवायद वीआईपी को बचाने की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।